नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। भारतीय न्यायिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक व्यापक स्तर के कराधान घोटाले को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर को गुमराह किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त तथ्यों और सबूतों के आधार पर जो बात सामने निकल कर आई है उससे अब इस तरह की कार्यवाही जांच से लोगों का पूरी तरह से विश्वास उठने लगेगा। दरअसल गगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में हुए व्यापक स्तर के कराधान घोटाले में तत्कालीन कलेक्टर एवं कमिश्नर के जांच प्रतिवेदन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार की जांच की गई और जांच प्रतिवेदन में जहां तत्कालीन कलेक्टर रीवा ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं तत्कालीन कमिश्नर रीवा संभाग अशोक भार्गव के द्वारा गठित संभाग स्तरीय जांच दल ने लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि प्राइवेट वेंडरों के खातों में बिना कार्य योजना और बिना कार्य कराए ही जारी कर दिए जाने का प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद लीपापोती का खेल प्रारंभ हुआ। मामले पर बिना किसी अधिकारिता के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा उक्त दोनों जांचों को कचरे के डिब्बे में डालते हुए जो जांच संभाग स्तरीय अधिकारियों और अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी उसे वापस निचले स्तर के उपयंत्रियों और प्रभारी सहायक यंत्रियों के स्तर की अलग से करवा दी गई, जिसके आधार पर बाद में चलकर दोषी 27 ग्राम पंचायतों के 22 सरपंच सचिव इंजीनियर एवं कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड निलंबित राजेश सोनी जनपद पंचायत गगेव सहायक ग्रेड 3 को हाई कोर्ट जबलपुर से क्लीन चिट प्राप्त हो गई है। आइए सुनते हैं पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर के कराधान करारोपण घोटाला हुआ था। वर्ष 2019 का है ये, अगस्त सितंबर के आसपास की वारदात है। उस समय जब ये प्रिया सॉफ्टवेयर से इसकी जानकारी मिली तो इसकी शिकायतें की गई। शिकायत के बाद जाँच हुई। तत्कालीन कलेक्टर रीवा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव और साथ में तत्कालीन संभाग आयुक्त रीवा श्री अशोक भार्गव ने इसकी जाँच करवाई थी और जांच में इसमें जो दोष सिद्ध पाया गया था और जांच के दौरान इसमें रिकवरी वसूली निकाली गई थी। लगभग 27 पंचायतों का मामला इसमें था। इसके बाद इसकी कार्यवाहियां हुई कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा। जिला कलेक्टर को इस पर कार्यवाही दंडात्मक कार्यवाही के लिए उल्लेख किया गया लेकिन फिर कार्यवाहियाँ नहीं हुई। हुआ क्या कि ये जो दोषी पंचायतें थी और जो इसके मास्टरमाइंड इस पूरे प्रकरण के जो मास्टरमाइंड थे जो राजेश सोनी निलंबित लिपिक गंगेव जनपद थे वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में याचिका चल रही थी और हुआ ये कि हाई कोर्ट की याचिका में शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा इसमें अपना पक्ष जानबूझ करके कमज़ोर किया गया और गलत तरीके से जानकारी प्रेषित की गई। जो FIR दर्ज हुई थी मनगमा थाने में इनके विरुद्ध राजेश सोनी और दो अन्य आरोपियों के विरुद्ध तो उसमें इनको खात्मा बता दिया गया और साथ में जो जाँच की गई बाद में क्योंकि कमिश्नर के द्वारा तो दंडात्मक कार्यवाही का उल्लेख किया गया था लेकिन बाद में इसमें जांच की गई वापस जिला पंचायत CO के द्वारा जांच करवाई गई और जांच करवाए जाने के बाद में इसमें एक तरह से इनको क्लीन चिट दी गई और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इस विषय में सिर्फ हमारा ये कहना था कि जिस तरह से कोर्ट को एक तरह से गुमराह किया गया, हमने एक RTI लगाई और थाना मनगमा से जानकारी हमें प्राप्त हुई है और जानकारी में ये बताया गया है कि कोई भी खात्मा उस FIR क्रमांक 470/2020 में जो दर्ज की गई थी उसमें 420, 120B, 409, 66C, 66D इस तरह से गंभीर अपराध था और उस पर कोई भी खात्मा नहीं है और इसके बाद भी खात्मा की जानकारी दे करके हाई कोर्ट को ही गुमराह कर दिया गया और वहां से इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो इसमें हमने संबंधित जिला प्रशासन संभागायुक्त से अपील की है, उनसे मांग की है कि इस विषय पर वो डबल बेंच में जाएं और साथ में इसकी रिवीजन के लिए अपील करें और इस तरह से ये जो मामला चल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मतलब एक गलत जानकारी प्रेषित करते हुए पूरे मामले को जिस तरह से लीपापोती की गई है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक को गुमराह किया गया बहुत चिंता का विषय है। और आज लोगों की पूरी न्याय व्यवस्था से एक तरह से विश्वास उठ सकता है कि लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा लेकिन एक जो प्रकरण ये सामने आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।